आजा आजा चलो इधर इधर चलो चलो चलो। हाय माँ, इधर आओ जल्दी, वो घुसपैठिए परिवार के साथ आ गए हैं। क्यों आए हो यहाँ? मेल जोल बढ़ाने। क्या मेल जोल बढ़ाने? हाँ, आप ही ने कहा था ना, जिनसे मेल जोल ना हो उन्हें लड़की नहीं दे सकते, तो हम आ गए मेल जोल बढ़ाने। आइए मिले जुले। ये सब तुमको मजाक लगता है क्या? क्या जी हाँ, बड़े आए मेल जोल बढ़ाने वाले, आपको लड़की नहीं देंगे। संदी जी, आप भले ही हमें लड़की ना दे, मेल जोल बढ़ा के देखते, पसंद आ जाए तो शादी करा दीजिए, नहीं तो दोस्ती रहेगी। माँ, चीनी क्यों, नमक डालते हैं। ये आईएसआई मार्क लूंगी है। एक मार्क है। ए मामा, तुमको कुछ चाहिए? ये रहे क्या? नहीं, छास है। ऐसा क्या छोटू, बाहर तो बियर लेके आओ ना। सॉरी सर, सॉरी सर, क्या पियेंगे आप? जहर। जहर, ये लो आ गया, पी लो। जल्दी से पियो और खिसको यहाँ। अरे सिर्फ कॉफी पर टरकाओगे, मीठा नमकीन कुछ भी नहीं है। अरे ऐसे नहीं, पहली बार सपरिवार आपके घर आए हैं, कुछ मीठा कुछ नमकीन खिलाना तो अपना रिवाज है ना? लेकिन हमारा नहीं है। हाँ? मीठा नमकीन चाहिए? हाँ, अभी लाती हूँ मैं। थैंक यू, थैंक यू। शिवाजी, शिवाजी, एक कॉफी में चूहा मार मिला। अरे बाप, ये लोग मुझे मारने लगे। बाप, एम्बुलेंस को फोन करो। हे भगवान, शहर के ट्रैफिक में एम्बुलेंस भी तो नहीं पहुंच पाएगा। ये लोग मेरा टिकट कटवा कर ही मारेंगे। ये पेट के दुश्मन है रे, ये क्या मिला है रे? कुछ नहीं खाना। चुप कर, विद्या भारती के हाथ से तो मैं जहर भी हंस कर खा लूंगा। हे बाप, ये सब खा के तो पिछवाड़े में लाल बत्ती जलेगी रे बाप। ए मत खाना रे, ए खा गया रे, ए सच में खा गया रे। शिवाजी, वॉशरूम प्लीज। थैंक यू। कहाँ चले शिवाजी? सुसु गो गो। मेरे बेटे पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। जादू टोना नहीं, ये मिर्ची टोना है। कैच। शिवाजी, क्या हुआ बेटा? नथिंग नथिंग। अंदर क्या किंग कॉन्ग का ट्रेलर चल रहा था। गार्गलिंग। ओके, बहुत अच्छा रहा, मेल जोल का फर्स्ट कोर्स अच्छे से पूरा हो गया। अब अगला कोर्स ये है कि अगले संडे को आप सब हमारे घर दावत पर आइए। नहीं नहीं, नामुमकिन, हम नहीं आएंगे। देखिए, आपकी मर्जी हो तो आइए, आपकी मर्जी ना हो तो भी आइए। 11 बजे सुबह ये आपको पिकअप करने के लिए कार लेकर आ जाएंगे। आते हुए अगर आपको फल फूल मिठाई वगैरह लाने की इच्छा हो तो उसका भी इंतजाम ये कर देंगे। आना तो पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा, आप बस आ जाइए। ओके, सी यू ऑन संडे, बाय बाय। आपने हमारे मेडिकल कॉलेज के डीन बनना कबूल किया, बहुत अच्छा। इट्स माय प्लेजर। इस जगह पर एनाटॉमी लैब, पैथोलॉजी लैब वगैरह बनेंगे। ए, और वहाँ पर पड़ी हुई केले और ड्रिल मशीन लेकर आओ जल्दी। क्या हुआ माँ? आप पीछे हटिए प्लीज। कोई उम्मीद है डॉक्टर? हार्ट बीट पल्स सब कुछ बंद है इसकी। प्लीज डू समथिंग डॉक्टर, लेट मी ट्राई। अभी देखता हूँ, उठाओ इसे जल्दी, जल्दी जल्दी उठाओ इसे, हटाओ यहाँ से, इसे हटाओ जल्दी जल्दी, लेटाओ इसे, लेटाओ मत करो, पीछे लेटाओ। Oh.
यू आर ग्रेट डॉक्टर, थैंक्स। आप देवता बनकर आए साहब, मेरे बच्चे को बचा लिया। बस बस ठीक है, ठीक है। बच्चों को काम पर लगाना कानून जुर्म है, पता है ना तुम्हें? क्या करूं साहब, पढ़ाना तो चाहता हूँ, पैसा ही नहीं है। मैं दूंगा, बच्चों को पढ़ाओ। बड़ी मेहरबानी। सुनो कॉन्ट्रैक्टर, आज के बाद बच्चों को काम पर रखा तो छुट्टी कर दूंगा। रिमार्केबल डॉक्टर, मैंने सोचा अब वो नहीं बचेगा। कैसे डॉक्टर, कैसे किया आपने? इसे CPR कहा जाता है। सडनली हार्ट अगर रुक जाए तो इमीडिएटली कुछ ही मिनटों के अंदर CPR देने से फिर से धड़कने लगता है। आई सी। यदि फिर भी हार्ट ने फंक्शन नहीं किया तो डिफिब्रिलेटर के जरिए शॉक देकर एक्टिव कर सकते हैं। कूल डॉक्टर। जाने के लिए अभी तक रेडी नहीं हुए? नहीं, उस दिन बोला था ना हम नहीं आएंगे। नहीं आओगे? वहाँ आपके लिए 656 पकवान रेडी करके आपके साथ दो कौर खाने के लिए सुबह से बिना एक बूंद पानी पिए पूरा परिवार पलक बिछा बैठा है। चलिए चलिए। हमने कहा था रेडी करने के लिए। ए मरगिल्ले, एक प्लेट के 8,000 रुपए खर्च हुए हैं। कछुए के बच्चे का कटलेट बनाया है, फोकट में आकर खाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन हमारी इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा तो है। अभी तुम जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? अभी तुम आते हो या शिवाजी को बुलाऊं? शिवाजी, ये लोग नहीं आ रहे हैं, फौरन पूरे खानदान के साथ यहाँ आ जाओ। अरे नहीं नहीं, होल्ड ऑन। क्यों जी, ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? कूल, यू आर अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट टू अस, वेलकम। आइए आइए, मेल जोल बढ़ाए। जितने डिशेस बनती है वो सभी हाजिर है। जिसको जो पसंद है खाइए, शर्माइए बिल्कुल भी नहीं, अपना ही घर समझिए। क्यों रामू, क्या चाहिए? आपने बोला था ना कछुए के बच्चे का कटलेट, बिल्ली के बच्चे की बिरयानी भी बनाई है। अरे वो तो तुकबंदी के लिए बोला था। लॉबस्टर पोट टिका, हैदराबादी बिरयानी। शादी के बाद ये कमरा हमारा होगा। यस, ये सब मैंने तुम्हारे लिए खरीद कर रखी है। ये बाहर जाते वक्त पहनने के लिए, ये घर में पहनने के लिए, और ये रहे मैचिंग ब्लाउज। ये तुम्हारे गहने और सेवर, सोप शैम्पू परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स, प्रेगनेंसी में तुम्हारे खाने के लिए हेल्दी फूड एंड मेडिसिंस, हमारे होने वाले बच्चे के लिए 3 साल तक जिन जिन चीजों की जरूरत होगी वो सब कुछ इसमें है। लड़का हुआ तो ये सब, लड़की हुई तो ये सब। तुम्हारे यहां आने के बाद Day 1 से तुम्हें खुश रखने के लिए सारी चीजों का इंतजाम कर दिया है मैंने। तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, अपनी पल के झुकाकर हां कहना है। कूल। अधिकारियों के दस्तखत से क्या होता है? मैं मिनिस्टर किस लिए बैठा हूं? मेरे पास नहीं आ सकते थे आप लोग? सॉरी, आपके पास आना चाहिए था, गलती हो गई। पर अब हम क्या करें सर? इट्स टू लेट, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। इमारत लगभग बन गई है सर, अब आप उसे तोड़ने के लिए कहेंगे तो मैं क्या करूंगा? आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए सर, हेल्प कीजिए प्लीज। आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या बताएंगे? हे भगवान, फिर वही सवाल। 200 करोड़। उसका 25%, 50 करोड़ पार्टी फंड में दे दो, काम हो जाएगा। 50 करोड़? ऐसे मुंह क्यों फाड़ रहे हैं? कैपिटेशन ऑपरेशन के नाम से लाखों रुपए कमाएंगे, एक साल में पूरा पैसा निकल आएगा। मैंने पैसा कमाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया है सर। शुरुआत में सब यही कहते हैं। अरे अब अचानक 50 करोड़ के लिए कहां जाएं हम? सारा पैसा इसी में इन्वेस्ट हो गया। आपकी हालत में समझ सकता हूं, आदि शेषन की तरफ से प्रेशर आ रहा है। ये वॉयलेशन का मामला तो उन्होंने ही शुरू किया है, इसके बावजूद अगर ये काम करना है तो 50 करोड़ देना ही पड़ेगा। जनता की सेवा करने के लिए भी क्या 50 करोड़ की रिश्वत देनी पड़ेगी? इसीलिए शुरू में ही मना कर दिया था मैंने। सर सर सर, प्लीज सर। शिवाजी इधर आओ। चीटर्स, रास्कल्स। शिवाजी, इनके साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है, पैर फंसे हैं हमारे, निकलना नामुमकिन है। करेक्ट मौका देखकर वार किया साले आदिशेषन ने, कर्जा वर्जा कुछ भी करके वो जो मांग रहे हैं उसे देने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। शिवाजी चलो। शिवाजी मकान के मदर डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। सर 8,750 स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन एरिया है सर।
जितना लोन आप लेना चाह रहे हैं उसके लिए सिर्फ मकान गिरवी रखने से काम नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, ये लीजिए शिवाजी के नाम की जमीन, ये खेत, ये प्लॉट, ये शेयर, इन्वेस्टमेंट। जहां जहां क्रॉस किए हैं वहां साइन कर दीजिए। फिक्र मत करो शिवाजी, अपने सपने के बारे में सोचो। अजरा संभाल के ध्यान से। हाय भारती, हैप्पी दीपावली। आप जैसा परिवार तो हमने आज तक नहीं देखा। आपका जबरदस्त प्यार और पैसा देखकर हम जरा डर गए थे, लेकिन आपके नेकी और शराफत ने हमारे दिल जीत लिए। इनकी कुंडली दे दीजिएगा। यस, हैप्पी दीपावली। थैंक्स। दिखा दी ना तुमने अपनी जात आनंदम। आइए आइए आइए। तो अगर किसी के सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हो तो रोक लगा पाना नामुमकिन हो जाता है आदि। तो तुम्हें क्यों बिठाया है वहाँ पे? सरकार किसी एक आदमी की नहीं है। जब भी जनता के लिए चार अच्छे प्रोजेक्ट आते हैं एक आद को तो परमिशन देनी ही पड़ती है। ए वेलो, ये तो बड़ी जिम्मेदारी की बात करता है रे। ये 50 करोड़ रुपए बोल रहे हैं सर। और उन करोड़ों का क्या जो मैंने तुम्हें खिलाए? उन करोड़ों का अरबों बना चुके हैं आप। अब दूसरों को भी चार पैसे कमाने दो। तो ऑर्डर नहीं बदलोगे? मुमकिन नहीं, ऑर्डर निकल गया है, जियो भी भेज दिया है। तुमको ही बदल दे तो, तुम्हारी सरकार पलट दे तो, अपोजिशन को ले आए तो, तुम्हारी सरकार गई आनंदम। सुधाकर, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना है। इंतजाम करो, पैसे की परवाह नहीं। हाय, क्या हुआ? कुंडलियां मिल गई? शादी कब करेंगे? कैसी शादी? किसने कहा? इतना मेल जोल बढ़ाया, पसंद किया, कुंडली भी मांगी। कुंडली मांगी थी मम्मी पापा ने। आप आए, हम मिले जुले, फ्रेंड्स बने, ठीक है, पर शादी करने से। सुनिए, मंजीरा कितने का है? अरे यहाँ मंजीरा नहीं बेचते। अरे आप रुकिए। यार मुझ पर बॉम्ब क्यों गिरा रहे हो? शादी के लिए कुछ बातों का मिलना बहुत जरूरी है और हमारी कोई बात नहीं मिली। वो कांजीवरम का मंजीरा देना है। दूं क्या चटपटा सा जलजीरा? कौन सी बात का मेल नहीं बैठ रहा? छोड़िए ना, कह दूंगी तो बुरा लगेगा। I want to see the manager. I am the manager. चल पूछा। दुख तो नहीं बताने से भी होगा, कोई परवाह नहीं, बोल दो। हाथ दिखाइए। समझ गए? ये मेरा हाथ है और ये तुम्हारा। ओफो, हम दोनों में कोई मेल दिखता है? ए! काला किसको बोल रही है रे? पूरा का पूरा हिंदुस्तान भड़क उठेगा। राम काले, कृष्ण काले, शंकर जी काले, कबीराज कालिदास काले, वहां रखा पियानो काला, अंगूर काले। एक कान खोल कर सुन लो, आधे हिंदुस्तान का रंग है काला। इसीलिए मैं बता नहीं रही थी। हिंदुस्तान में दो चीजों की बात कभी नहीं करनी चाहिए, आदमी के रंग की और नेताओं के ढंग की। ओ पब्लिक में माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। कूल कूल कूल। देखो मुझे पता है तुम रंग देखकर फैसला करने वालों में से नहीं हो, वजह कुछ और है, बताओ। और कोई बात नहीं है, बस यही वजह है। ये कस्टमर परेशान है। चुप रहो, वो कुछ गलत भी तो नहीं कह रही। मैडम मंजीरा। हेलो मैडम, जस्ट अ मिनट, तुम गोरी मैं काला, यही प्रॉब्लम है ना? मैं गोरा होके दिखाऊंगा। तुम्हारा गोरा होना नामुमकिन है, इस पर डामर डालकर इसी को काली बना दो। ए, मैं गोरा होके दिखाऊंगा। अरे कुछ नहीं, ये क्या कर डाला? कीचड़ में लगभग
नायक के अनिल कपूर हो क्या? ये मुल्तानी मिट्टी नेचुरल थेरेपी, इसको धोने के बाद मैं ऋतिक रोशन दिखूंगा। क्यों हिला डाला ना? ये क्या कर लिया? फोटो नेगेटिव जैसे दिखते हो। बेवकूफ समझती हो क्या? काला कहा तो क्या क्या करके गोरा बना और अब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? सच कहूं तो मुझे आपका काला रंग ही पसंद है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बच गए भांजे, जाओ जाके सबसे पहले आटा धोकर आओ। फिर पहले मुझे क्यों काला कहा तुमने? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने नहीं सोचा था कि आप मेरी बात को इतना सीरियसली लेने वाले हैं। मैं तो सिर्फ आपको टाल रही थी, उसकी असली वजह रंग नहीं चरण कुंडली थी। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से वृक्षीर्ष और धनिष्ठा नक्षत्र वालों में विवाह संपन्न हुआ तो सुन लो, पति की मृत्यु निश्चित है, पत्नी रोएगी विधवा बनकर, ऐसा सुखदेव ने कहा है। वर शिवाजी चित्रा नक्षत्र और वधु धनिष्ठा है, यह बहुत खतरनाक है। 13 तरह के मेल में दूसरी बातें आगे पीछे हो सकती है, पर रज्जू का मेल बहुत जरूरी है। दोनों के ग्रह मिलते ही नहीं, दोनों की कुंडलियों में 2, 7 और 9वें स्थान पर नीच ग्रह बैठा हुआ है, बड़ी मात्रा में धन हानि होगी। कन्या के कारण वर पे संकट आ सकता है, अगर इनकी शादी हुई तो वर के प्राण को खतरा है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये देखिए, मेरी जबान पर तिल है, मैं गलत नहीं बोलता। आप लोगों का भला करने आए हैं और मुझसे शादी करके आप पर कोई विपत्ति ना आए, इसी का डर था मुझे। इतनी सी बात, ये प्रॉब्लम है? अरे यार मेरे ज्योतिषी ने पता है क्या कहा? अगर मेरी तुम्हारी शादी हो गई तो मेरे पास जो 200 करोड़ रुपए है वो 1000 करोड़ रुपए बन जाएंगे। सेकेंड ओपिनियन के लिए हम दूसरे ज्योतिषी के पास गए, उसने पता है क्या कहा? समझिए दोनों लोग पहले से ही शादीशुदा हैं और जुड़वा बच्चे ऑन द वे। हाँ, अब किसका भरोसा करें? इन सब बातों को सुनते रहे तो जी नहीं पाएंगे। मुझे तुम पसंद हो, और तुम्हें? तो फिर फिक्र किस बात की? मौत का दिन मालूम हो जाए तो जिंदगी का हर एक दिन नर्क बन जाता है, संतोष होना जरूरी है। मेरे साथ शादी करके तुम खुश रहोगी ना? कूल। शुभमस्तु। चेन्नई के निवासी रामलिंगम जी की सुपुत्री विद्या भारती और धर्मपुरी के आर मुखम जी के सुपुत्र शिवाजी का आने वाले महीने की 5 तारीख के शुभ मुहूर्त में विवाह संपन्न कराने का निर्णय बड़े बुजुर्गों ने लिया है, इसीलिए शगुन के थाल बदलकर मंगनी की रस्म पूरी की जाती है। आइए आइए, आना तो मुझे चाहिए था आपके पास ब्लेसिंग के लिए। आप नए मंत्री हैं, उसका सम्मान तो मुझे करना ही चाहिए। आप ही किंग मेकर है, या आपने सबको दिखा दिया। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद मुंह से नहीं, काम से दीजिए। अरे आप आदिशेषन है तो मैं अल्सेशियन हूँ, पूरी जिंदगी दुम हिलाता रहूंगा। रोको ये सब, बंद करो, स्टॉप इट। ऐसे क्यों तोड़ रहे हो सब? यहाँ आईटी पार्क फ्यूचर डेवलपमेंट के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ रहे हैं, यहाँ ये कंस्ट्रक्शन गलत है। ए, इसे तोड़ो। ए, समझ क्या रखा है? हर बार नया कारण बताकर तोड़फोड़ शुरू कर देते हो। 50 करोड़ रुपए लेकर बोला था कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर ये कहाँ से आ गया? सर ये नया गवर्नमेंट का ऑर्डर है, आप चाहे तो मैं कल आता हूँ, तब तक आप किसी से मिलकर कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। नहीं सर, उस जगह पे तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, किस बेवकूफ ने आपको परमिशन दे दी? नो, इट्स अ रॉन्ग प्रोजेक्ट, परमिशन नहीं मिल सकती। सर मैंने क्या गुनाह किया है? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोगों की भलाई करने की इतनी बड़ी सजा क्यों? यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ नहीं गए हैं, टेबल से टेबल, बेंच से बेंच, अधिकारी से अधिकारी, मंत्री से मंत्री, इसको उसको जितना चाहिए तो सब दे चुके हैं। आपने दिया है उन लोगों को, उन मंत्रियों को, हम फ्रेश हैं, बहुत इन्वेस्ट करके आए हैं भैया। सीटों के दाम, इलेक्शन एक्सपेंसेस, पब्लिसिटी एक्सपेंसेस, एमएलए लोगों की कीमत, कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो गया है। अभी हमें क्या करना ये बोलिए।
आपके प्रोजेक्ट का वैल्यू क्या होगा? अबे यही सवाल कितनी बार पूछेगा? क्या क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं सर, 200 करोड़। उसमें से 25%, 50 करोड़ हमारे विकास फंड में दे दीजिए, बाकी मैं देख लूं। अबे साले भिखारी, मैं क्या ब्रॉकल चलाने के लिए परमिशन मांग रहा हूँ या दारू का अड्डा चलाने के लिए? तो छोड़ दो, रास्कारी क्या कर रहे हो, गड़बड़ मत करो शिवाजी, ये तो गांधी जी के स्मारक के लिए भी लोगों से पैसा। ए मामा तुम चुप रहो, ए तुम मुझे परमिट दोगे या नहीं? ए तमीज से, तमीज से। अबे तेरे जैसे भिखारी से तमीज कैसे? मेरे पास आकर तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? पैसे दिए बगैर तुम ये यूनिवर्सिटी कभी नहीं खोल सकते। नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा। मैं कोर्ट में जाऊंगा, नीचे से लेकर ऊपर तक, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, एप्लेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इस देश में न्याय अगर कहीं भी किसी भी कोने में जरा सा भी बचा हुआ है तो उसे खोद कर निकालूंगा। आप जरूर प्रयास कीजिए। कहिए शिवाजी, कैसे हैं आप? आपके विश्वविद्यालय कैसे चल रहे हैं? कोई मदद चाहिए तो बोलिएगा। ए कैसे इंसान हो तुम, कीड़े मकौड़े से भी गए गुजरे, तुम्हें तो अच्छी मौत भी नहीं मिलेगी। क्या बोला तू? नहीं शांत शांत, साहब अभी बहुत गुस्से में हैं। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। लोफर। कास्ट आयरन केस है, जीतना ही है। गवर्नमेंट बदल गई तो उनके दिए हुए जीओ को आर्बिट्रेली ये लोग कैंसिल कर देंगे क्या? गलत है, किसी भी कोर्ट में नहीं ठहरेगा। सुबह कोर्ट जाते ही एक रिट डालकर उस स्टे को वैकेट करवा देंगे, नहीं तो स्टे ऑर्डर का स्टे ऑर्डर ले लेंगे। ये मेरा 25 साल का सपना है, 20 साल की मेहनत है, मैंने अपनी सारी कमाई इसमें लगा दी है। मकान, जमीन, जायदाद सब कुछ गिरवी रख दिया। इस सपने को कैसे भी बचाना होगा। फिक्र मत कीजिए, इन लोगों से दस्तखत करवा के अप्रूव होने के बाद ही बिल्डिंग बनाई है ना। मैं देख लूंगा। भाई साहब, फीस वीस बाद में देखेंगे। ओके सर। थोड़ा सा एडवांस के लिए कहिए। कितना होगा सर? 20 लाख। 20 लाख? 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को बचाना है ना। बैंक में बिल्कुल पैसे नहीं है, ओवरड्राफ्ट लिमिट भी खत्म हो चुकी है। एडवांस के लिए मेरी कार रख लीजिए। नहीं सर नहीं, बहुत बुरा लगेगा। नहीं नहीं नहीं, आप फील मत कीजिए। मैं क्या पैदा कार के साथ हुआ था? बचपन में भी नंगे पैर चला हूं, बस में घुमा हूं। आप ये केस जिता दीजिए, बस इतना ही। ये लीजिए शिवाजी, कितने प्यार से तुमने ये कार खरीदी। सर आप चाहे तो घर तक ड्रॉप कर दूं। जी नहीं, कूल, अब पैदल चलने की आदत डालनी होगी। चलो शिवाजी फाउंडेशन के लिए पहले आपको सब सरकारी विभागों से अनुमति नहीं मिली थी, सच है? सच है। 16 विभागों से संबंधित सरकारी ऑफिसरों को 4 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी आपने, ये बात सच है? ऑब्जेक्शन, अनुमति इसलिए नहीं दी थी ताकि रिश्वत ले सके। बीच में मत बोलिए, आपकी जिरह खत्म हो चुकी है। 4 करोड़ रुपए दिया आपने, ये सच है या नहीं? सच है, लेकिन मिनिस्टर अनंतम ने अनुमति देने से मना किया था, सच है या नहीं? सच है। तब आपने उनको 50 करोड़ रुपए रिश्वत दी? दी थी, पर देश की भलाई के काम को पूरा करने के लिए दी थी। आई वॉज कॉर्नर्ड, आई वॉज हेल्पलेस। तमाम गवाहों के बयानात और तहकीकात के बाद अदालत में ये बात साबित हो चुकी है कि शिवाजी फाउंडेशन की बिल्डिंग्स बनाने के लिए अलग अलग सरकारी महकमों में गलत एवं गैर कानूनी तरीकों से रिश्वत देकर अनुमति प्रदान करने की कोशिश की गई थी। लिहाजा शिवाजी की यूनिवर्सिटी के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाना कानूनन सही है, इसलिए ये अदालत सरकार को अभी तक बनी हुई इमारत को माकूल तरह से हटाने के लिए अनुमति प्रदान करती है। इसके लिए सरकार किसी तरह का मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है। क्या शिवाजी, ये क्या हो गया? काश कि तुम मेरी बात मानकर 5-star होटल, रियल एस्टेट बिजनेस कर लेते। इन जालिमों ने मिलकर तो तुम्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। अब क्या करोगे शिवाजी? बोझा उठाओगे या फिर दूध भेजोगे या ऑटो वाटो चलाओगे? चाहो तो मैं एमपी से रिकमेंड करके तुम्हें कंडक्टर की नौकरी दिलवा देता हूँ, ठीक है? अरे अरे, इसके लिए भी तो तजुर्बा चाहिए। हाँ, बिना मेहनत के बैठे बैठाए खाने का एक तरीका है, तुम करोगे? हमारा राष्ट्रीय पेशा। 550 के नोट, चिल्लर है वेलू, देना जरा। हे भगवती भवानी मैया, इनके धंधे को बरकत देना मां। मेरा हाथ बहुत लकी है, इसलिए बोनी मैं ही करता हूं। भी
भीख मांगो शिवाजी। एक्सक्यूज मी सर, आपका मकान, आपकी प्रॉपर्टीज, आपके सारे खेत सब मिलाकर भी आपके कर्ज की रकम पूरी नहीं होती, इसलिए वैल्यूएशन होने तक आप एक भी चीज इस मकान के बाहर नहीं ले जा सकते। सॉरी सर, आपकी रोलेक्स घड़ी भी हमारी लिस्ट में शामिल है। सॉरी बाबा, सॉरी माँ, जब तक मेरे हालात नहीं बदलते आप गांव जाकर रहिए। कोई अफसोस नहीं है बेटा, तुम्हारे अमेरिका जाने से पहले हम लोग ऐसे ही तो थे।